एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज की जो प्रमुख खबर है वो सदर तहसील मुरादाबाद से है, जहां पर लेखपाल आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। लेखपालों का 8 सूत्रीय ज्ञापन भी सरकार तक पहुंच चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण लेखपाल मौजूदा समय में कार्य बहिष्कार करके धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ मुरादाबाद सदर तहसील द्वारा धरना दिया गया, जिसमें उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ एक अनुशासित संगठन है। लेखपाल संवर्ग में ज्वलंत समस्याओं को पत्राचार के माध्यम से भी अनुशासनिक रूप से शासन के समक्ष उठाया है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुख्य मांगों में वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट में पारित कराना, लैपटॉप व स्मार्टफोन प्रोन्नति के साथ साथ उन्होंने मांग की है कि आधारभूत सुविधाएं भी संसाधनों के साथ लेखपालों को मुहैया कराई जाएं। इस दौरान धरना स्थल पर संयुक्त कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुरादाबाद संदीप बड़ोला, स्वास्थ्य विभाग के हेमंत चौधरी, सिंचाई विभाग के जिला मंत्री आलोक भटनागर आदि लोग भी वहां पहुंचे और लेखपालों को समर्थन दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो सभी कर्मचारी एक साथ इस आवाज को उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह, विष्णु दत्त यादव, जुल्फिकार हुसैन, तेज बहादुर, विवेक गुप्ता, हरिराज चौहान आदि तमाम लेखपाल धरना स्थल पर मौजूद रहे। आप ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर कर रहे हैं? क्रांति आह्वान पर हमारा 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरना जो है चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है। और 8 सूत्रीय मांगों में वेतन विसंगति है, लैपटॉप है, और जो है बदलना बदलना है, शैक्षिक योग्यता स्नातक करनी है, आधारभूत सुविधाएं हैं, इन सब बातों को लेकर है हमारा धरना चल रहा है। प्रदेश स्तर पर सभी तहसीलों पर धरना चल रहा है और 9 तारीख से जो है वो धरना जो है हमारा जिला मुख्यालय पर रहेगा। हालांकि आज सरकार ने हमें एसएमएल लगा दिया है, लेकिन प्रदेश स्तर पर दिया के बाद मुख्य सचिव से आज है वार्ता होने के बाद ही बाकी पता लगा क्या हमारी हड़ताल जारी रहेगी, ये समाप्त होगा।